नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद दो डिप्टी सीएम के नामों का भी ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। अरुण साव जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दावेदारों की लिस्ट में शुमार थे, उनको भी छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया गया है। साथ ही साथ इस लिस्ट में डिप्टी सीएम के नामों की लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है, विजय शर्मा। जी हाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विजय शर्मा की तस्वीर है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया गया है। लेकिन ये वो चेहरा है, इन्हें डिप्टी सीएम बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बड़ा दांव खेल दिया है। हिंदुत्व का इन्हें कट्टर चेहरा माना गया था, कैसे ये सुर्खियों में आए और विजय शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहरबान क्यों हुई, सब बताऊंगा आपको आगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि विजय शर्मा है कौन। तो आपको बता दें कि विजय शर्मा जो है कवर्धा, जहां से रमन सिंह राजनांदगांव से जहां से आते हैं उसी क्षेत्र में कवर्धा जगह आती है, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था और बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बनी थी कवर्धा। कवर्धा में इन्होंने जो कांग्रेस के जो मंत्री है मोहम्मद अकबर, उनको चुनाव में कड़ी शिकस्त दी थी और लगभग 40,000 वोटों से विजय शर्मा ने मोहम्मद अकबर को कवर्धा में चुनाव में पटखनी दी। वही मोहम्मद अकबर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर भूपेश बघेल सरकार के वक्त सत्ता में आए थे, विधायक बने थे और उनको भूपेश बघेल सरकार ने मंत्री बना दिया था। लेकिन उस कवर्धा में उसके बाद एक कम्युनल केस हुआ था और उस केस के बाद ये कवर्धा की सीट बड़ी हाई प्रोफाइल बनी थी और तभी विजय शर्मा भी चर्चा में आए थे। वो वक्त था 2021 का साल था वो, और तब कवर्धा शहर में चौक में एक झंडे लगाने को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, जिसके बाद शहर में कर्फ्यू की स्थिति बनी थी और प्रदेश भर के हालात इतने बिगड़ गए थे उस कवर्धा में कि प्रदेश भर के सारे अफसरों को, बड़े बड़े अफसरों को, पुलिस बल को कवर्धा में तैनात करना पड़ा था। हालात यहाँ तक बने थे कि पुलिस एसपी जो वहाँ के कवर्धा के एसपी थे, लॉ एंड ऑर्डर के न संभालने के चलते उनका तबादला कर दिया था भूपेश बघेल सरकार ने, और बीजेपी ने इस सीट पर हिंदुत्व का मुद्दा बनाकर ही चुनाव लड़ा था। तब भूपेश बघेल सरकार ने विजय शर्मा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था और इसी मामले में उन्हें 2 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था। उसी विवाद के बाद विजय शर्मा जो है वो चर्चा में आए थे और हिंदुत्व का एक कट्टर चेहरा बनकर उभरे थे। उसके बाद मामला यहां तक पहुंचा था कि उन्हें जेल में रहने के बाद जमानत पर वे अभी इसी मामले में रिहा है और माना जा रहा है कि भाजपा ने इसीलिए उन्हें टिकट दिया था और अब उप मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया गया है। अब जो दबंग नेता है इलाके के, मंत्री रह चुके मोहम्मद अकबर को उन्होंने चुनाव में हराया लगभग 40,000 वोटों से, उसका उन्हें इनाम एक तरह से मिला है आप ये कह सकते हैं। और मोहम्मद विजय शर्मा की लोकप्रियता का आलम यह था कि जब वो जेल में गए थे और जब उनको उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान जब किया था तो भगवा झंडा, दरअसल हुआ यह था कि गिराकर पैरों के तले एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने कुचलने का प्रयास किया था और एक हिंदू युवक की हत्या का भी तब प्रयास किया था। विजय ने इस घटना के विरोध में मोर्चा खोला था, इस दौरान विजय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और वो मंडल जाकर उन्होंने फिर बैठक के लिए तो उनके लिए चंदा भी इकट्ठा हुआ चुनाव लड़ने के लिए, लगभग 20 लाख रुपए का क्षेत्र की जनता ने उनको चंदा दिया था। तभी यह तय हो गया था कि विजय शर्मा की जीत होनी है और लेकिन इस जीत का उन्हें ये इनाम मिलेगा ये विजय शर्मा ने भी नहीं सोचा होगा और इसीलिए विजय शर्मा को जो है वो उप मुख्यमंत्री पद के पद से नवाजा गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है क्योंकि चुनाव में जिस तरह से एक तो आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने किया और जो हिंदुत्व का एक कट्टर चेहरा है हिंदुत्ववादी, आपको ये बता दें कि विजय शर्मा के लिए खुद योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए कवर्धा में आए थे और इस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने इनके लिए प्रचार किया था। हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता है योगी आदित्यनाथ, तो तभी ये तय हो गया था और अब इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। अगर विजय शर्मा के बारे में मैं बताऊं तो वर्तमान में वो प्रदेश भाजपा संगठन में महामंत्री के पद पर है, उन्हें महामंत्री का पद दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री इनके पास है शिक्षा की बात करें तो, और साथ ही साथ ये कवर्धा जिले के बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही साथ ये जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। पहले इनके पास अपना राजनीतिक अनुभव भी है, संगठन का भी अनुभव है और राजनीतिक अनुभव भी है। 50 साल के विजय शर्मा भाजपा के तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो अच्छा खासा अनुभव है और
पार्टी के लिए जो पिछले 5 साल जो कांग्रेस के शासनकाल के जो 5 साल थे उस दौरान पार्टी के और से लड़ाई लड़ने वाले चेहरों में प्रमुखता से विजय शर्मा को देखा जा सकता था। तो कहा यह जा सकता है कि विजय शर्मा जो एक नाम जो किसी लिस्ट में नहीं था उसको अगर भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम का पद दिया है तो उसके पीछे ये बड़े कारण है और एक साफ संदेश देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने कि जो हिंदुत्व का चेहरा होगा उसे पार्टी दरकिनार नहीं करेगी। दूसरा जो नाम है वो है अरुण साव साहब। इनका नाम तो आपको पता ही होगा, मुख्यमंत्री के लिए भी चर्चा में चल रहा था और अरुण साहब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष है, सांसद थे ये और ये बिलासपुर से, जो बिलासपुर सीट आती है वहाँ से इनको सांसद चुना गया था और 19 के लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी के टिकट पर बिलासपुर से सांसद बने थे और उसके बाद अब इन्हें जो है एबीवीपी से ये जुड़े रहे हैं। अरुण साव साहब राजनीतिक सफ़र की शुरुआत इनके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई थी और इसी संगठन में पूरी तरह से वे सक्रिय रहे। 90 से 95 तक जो मुंगेली इकाई है एबीवीपी की उसके ये अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी बने ये। और अरुण साव ने मुंगेली से ग्रेजुएशन किया हुआ है, पढ़ाई की अगर इनकी बात करें, और उसके बाद उनके पास लॉ की डिग्री भी है तो ये उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। 96 में उन्हें युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और तत्कालीन विधायक अमर अग्रवाल के साथ वो महासचिव भी रहे। उसके बाद संघ की पृष्ठभूमि से ही आते हैं तो इसके कारण उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और 2019 में उनको चुनाव की लोकसभा चुनाव में सांसद का टिकट दिया गया। तो उसके बाद फिर उनको अब इस बार उनके कंधे पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। अरुण साव को जब अध्यक्ष बनाया गया था तब नंदकुमार साय को हटाकर ही, जो माफ करिएगा विष्णुदेव साय को हटाकर ही इन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था जो कि अभी सीएम बने हैं। तो ये और पूर्व में इनका केंद्रीय मंत्री बनने को लेकर भी नाम चर्चा में आया था लेकिन तब ये केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए। और छत्तीसगढ़ में ओबीसी जो अरुण साव जो है, मैं आपको बता दूं कि ये साहू समाज से आते हैं और छत्तीसगढ़ में ओबीसी अगर पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो ये जो जाति है छत्तीसगढ़ में ये बहुसंख्यक है और इसीलिए साहू समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव चला है। एक तो आदिवासी जो बड़ा तबका है छत्तीसगढ़ का साधने के लिए उसको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया, जो दूसरी ओबीसी पिछड़ा वर्ग की जाति है उसको साधने के लिए अरुण साव को ये कमान दी गई डिप्टी सीएम की, और एक हिंदुत्व जो फायर ब्रांड हिंदुत्व का कट्टर चेहरा विजय शर्मा ये फॉरवर्ड तबके से आते हैं वह अगड़े तबके से आते हैं। तो अगड़ा पिछड़ा और आदिवासी तीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सीएम और डिप्टी सीएम के चयन में किया है और निश्चित तौर पर ये 2024 के लोकसभा चुनाव आने हैं उसके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और उसी के तहत इनका चुनाव किया गया है। इन चेहरों पर जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस पर आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं क्या 2024 में ये जो कॉम्बिनेशन है भारतीय जनता पार्टी का सीएम और उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे का ये फायदा देगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।